शांति। एक अद्भुत जीवन कहानी में आज सिक्स डे है तो पढ़ेंगे शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण। थोड़े समय में काफी लोगों को यह मालूम हो गया कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए ऐसा एक बोर्डिंग खुला है। कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक अथवा प्रधान अध्यापक अथवा शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले नामवार व्यक्ति कई बार अचानक ही इस बोर्डिंग को देखने आ जाते। उनका यह विचार रहता कि सूचना दिए बिना अनायास ही जाकर वहां की सफाई सुथराई को बच्चों को मिल रहे भोजन आदि को तथा वहां की शिक्षा पद्धति को तथा वहां लौकिक विद्या के साथ ही साथ आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली को देखा जाए। उन्हें वहां ओम निवास के प्रबंधकर्ता अथवा शिक्षिकाएं खुली छुट्टी देते थे कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि आदि के ढंग को देखें। वे लोग वहां राज ऋषिकुल जैसा वातावरण वहां की स्वच्छता वहां की भोजन व्यवस्था आदि आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। कुछ लोग सुझाव देते थे कि इस बोर्डिंग को रजिस्टर करा दिया जाए ताकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल सके, क्योंकि वे सोचते थे कि सरकार से सहायता लिए बिना भला अधिक समय तक ओम मंडली इतना खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। परंतु उन्हें बताया जाता था कि यह ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर सबका दाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम 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 की ध्वनि सुनते सुनते ध्यान अवस्था में चले जाते और उन्हें इस संसार तथा देह की सुध-बुध न रहती। वे इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित भी होते थे तथा हर्षित भी। जब वे बच्चे ध्यान अवस्था से नीचे उतरते थे तो वे उन बच्चों से पूछते कि उन्होंने क्या देखा। वे उन बच्चों द्वारा वैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही गदगद होते थे। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था, इसलिए अब उनका अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क न रहा था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि के साथ लगाव या मोह न रहा। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। यूं तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने अधिक बोलने आदि आदि का स्वभाव भी होता है, परंतु उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल तो होते ही थे। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकती थी तो हम बाबा से कहती थी, बाबा ये बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते थे, इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो। जो बुराइयां उनमें हैं उसे छोड़ने से क्या लाभ होगा, यह बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसे पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि फलां कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल स्वरूप को यहां या धर्मराजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है।
अतः यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का तथा कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ। ये बड़े मनुष्य से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगे तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि ये अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी जो प्यारी चीज हो आप वह बंद कर दो तो वे सुधर जाएंगे। इस प्रकार चंचलता करने वाले बच्चों का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था उससे बात करने के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था। उसे कहा जाता था, जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति यह भी बताई कि जो बच्चा उद्दंड हो, अधिक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करती थी। उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देती थी परंतु उसे अलग बिठा देती थी। इससे भी वे सुधर जाते थे। हर एक प्रकार की विद्या के अध्ययन के बाद परीक्षाएं तो होती ही हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षाएं होना जरूरी है। ज्ञानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे निंदा स्तुति मान अपमान हर्ष शोक आदि में समान रहते हैं और विघ्नों को हर्ष से पार करते तथा सहन करते हैं। अतः अब ऐसी ही परीक्षाएं ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों के सामने आई। वह कैसा रूप धारण करके आई और उन्हें कैसे पार किया गया यह आगे पढ़िए। लोक लाज भय और निंदा की परीक्षाओं से पार होना। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञान अमृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते, अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञान अमृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञान अमृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वह शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी? वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थी? जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतोप्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है, वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष का कैसे सेवन कर सकती थी? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में निम्नलिखित गीत गाया करती थी। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ, स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधि करती हूँ। मैं ज्ञान अमृत पिलाती हूँ, नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में है ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेगमपुर रहती हूँ, निज आनंद स्वरूप ओम हूँ मैं, जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ, सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ, नित्य गोविंद के गुण गाती हूँ, यह सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूँ। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती हैं और इस घर को वैशाले के बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी तो यह घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आर्यपुत्र अब क्यों न हम अपनी पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाएं? देखो आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती हैं। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्री हैं। अतः आओ उस परमपिता के साथ हम दोनों का जो नाता है उस नाते को सामने रखकर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चलें।
देखो हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्यों को पहले से भी अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था वह भी हम करेंगी। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पीक दान की बजाय अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं, इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डालें तथा मनोविकारों के को राख कर दें। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञान अमृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता की ही भीख मांगती हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म के शेष थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकालकर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती वह प्रेरणा इस गीत के सुरों में भरी है। जीवन की घड़िया यों ही न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो, चादर न लंबी तान से तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का, धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो योगी बनो। ओम से मनवा अब शाद कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर, ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो योगी बनो। परंतु उन माताओं का यह अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ हो जाता था। जैसे जैसे अफीमची अफीम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, और हाय शराब दो शराब इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे वे भी हाय विकार हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह हुई थी कि दो तीन महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहां तक कि उन्हें चोट भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए थे, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनको फाड़ कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान पड़ गए हैं और उन अबलाओं का मायके से लाया गया जेवर आदि भी उतार कर उन्हें निकाल दिया गया है, तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है? जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है वह जब धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्यों अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, परंतु व्यावहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस वृत्तांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी क्रोधी और विकारी मनुष्यों से शादी नहीं करेंगे
अतः उन्होंने इस प्रकार एक गीत बना लिया। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना, है आजकल के विकारी बने नर। क्षणिक प्रेम में फस तबाह न होना, खाते मांस मदिरा बने स्वर्ग बने सर्व भोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म ने भूले घड़ी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती राम गले फूल धरना। फूलेगा फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार व निश्चय समझना। सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही मात जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया था। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम क्रोध और मोह नरक के द्वार हैं। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः अपनी इच्छा से किया था, अतः यदि बाबा उनसे कहते भी तो वे फिर काम क्रोध को नहीं अपनाती। परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास आए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी तीन माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वह पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौट कर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव पति द्वारा अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किए थे। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि ये अपने पति से विषय भोग करे। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञान अमृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे कह सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबे। यह सत्संग में न आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव अनुमति अथवा आज्ञा दे सकता हूँ। बाबा ने उनको यह भी कहा कि मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचार्य व्रत की पालना करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ब्रह्मचार्य की यह आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं इस मानती। ये भी उस परम पिता की आज्ञा के कारण विवश है, और मैं भी। बाबा ने ये भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूँ, मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूँ। देखो यह कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। इस विषय में भी उन दिनों एक गीत बना हुआ था जिसका पहला पद था, सेवक अचे थी ओम मंडली में सेवा करण वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ, ओम मंडली में सेवा करने के लिए ही आया हूँ। बाबा ने यह भी कहा कि यह तो इनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात है कि जबकि उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसावदान भी कर लिया हुआ है था, और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो वे अब किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती। उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ ही था।
मैं तो अब 2-3 वर्षों से गीत के भावार्थ में ही टिक गई थी। ज्ञान ही मन का मीत सखीरी, ज्ञान ही मन का मीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। मंडली गीता की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे, यही बुद्धि योग की है रीत। सखीरी सीता और राम की प्रीत, मन मस्ताना ठौर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे। उसे ओम अर्थ से जीत, सखीरी ज्ञान खड़क से जीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतः उन्हें पवित्रता माना ब्रह्मचार्य के नियम का इस दृढ़ता से पालन करता देखकर लोगों में हलचल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचार्य का पालन करने लगेंगी तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। उन्हें यह तो मालूम नहीं था कि सतयुग अथवा देव युग में और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल के सतोगुणी लोगों अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी, और अब उसी सृष्टि की फिर स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्राय माताएं व कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं। अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते तथा कथा करते थे। तीसरा, लोगों ने यहाँ दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खान पान के कारण नहीं समझ सके। अतः जिन सिंधवर की लोगों की विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया तो उस माया नगरी के और बहुत से धर्म विमुख लोग भी उनसे मिल गए। वे घर घर में जाकर कहने लगे कि कन्याओं माताओं अथवा पुत्रों पौत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हम बिरादरी में आपका बहिष्कार कर देंगे। कुछ एक को तो डराया धमकाया और पीटा भी गया कि वे अपने पुत्रियों या पत्नी आदि को ओम मंडली में जाना बंद करें। वहां के मुखिया लोगों का शहर पर काफी दबदबा था और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियों अथवा बोर्ड में भी उनका उच्च स्थान था या उनकी पहुंच थी। अतः उन सबने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखी और चौधरी लोग आया करते थे अथवा अपनी बहु बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृत पत्र देते थे तथा दादा के कार्य की पूरी पूरी सराहना करते थे, आज उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने एंटीओ मंडली रखा। उस मंडली का प्रधान बनाया गया मुखी मंदाराम जी को, जो कि दादा के एक निकट संबंधी और प्रशंसक थे और स्वयं भी सत्संग में आते थे। अब लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विषय में भी एक बड़ा दिलचस्प वृत्तांत है जो कि निम्नलिखित है। बाबा ने पतित पावन परमपिता परमात्मा की तथा परम धाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मुखी को एक ग्रामाफोन रिकॉर्ड सौगात रूप में दिया। वह रिकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचलित हुआ था। उसमें भरा हुआ जो गीत था वह इस प्रकार का था, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले जल्द वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। लोगों की जबानों से, दुनिया की निगाहों से अब और कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। जब लोगों को यह पता लगा कि मुखी को यह रिकॉर्ड मिला है तो उन्होंने मुखी को कहा कि इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे हाथ न लगाना, न घर वालों को हाथ लगाने देना, वरना आप लोगों को भी जादू लग जाएगा। हम एक जादूगर को बुला लेते हैं, वह आकर आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड में कैसा जादू है। मुखी जी डर गए। वह बोले, अच्छा
जादू टोने वाले को ले आओ। लोग एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो टोने, झाड़ा, फूकी, ताबीज आदि का काम करता था। वह आकर बोला, इस रिकॉर्ड पर तो जादू का खूब असर हुआ है। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आपने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना बस लोगों ने ईंटे, पत्थर, रोड़े उठा उठा कर इस रिकॉर्ड को मारे ताकि उसमें भरा हुआ जादू अच्छी तरह उससे निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे किसी हिस्से में छिपा हुआ जादू निकल कर किसी को लग जाए। देखिए तो संसार की कैसी हालत हो चुकी है। एक व्यक्ति जिसका धंधा ही लोगों को ताबीज देना है और जिसे यही बताकर लाया गया है कि इस रिकॉर्ड में जादू भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए हमारे साथ चलो। उसके कहने पर भी सभी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया, वे पत्थर मार कर जादू को भगाने लग गए। कभी कभी समझदार और सयाने लोगों को भी क्या हो जाता है। इतना समय ज्ञान सुनने में जिन लोगों का जीवन ज्ञान सुनने से जिन लोगों का जीवन बदला था, क्या वह जादू से बदला था? इतने लोगों को ज्ञान मिलने से जो शांति मिली थी, क्या वह जादू से मिली थी? बच्चों, बच्चियों की शिक्षा आदि का यह सब प्रबंध जादू के लिए किया गया था। वारे अभागे लोग, ईश्वरीय ज्ञान तो प्राय लुप्त हो चुका था, परंतु क्या तूने सामान्य विवेक भी खो दिया? रस्मों, कर्म कांडों और जादू टोनों की भरमार में तू ऐसा भटक गया कि बुद्धि पर लोहे का पर्दा पड़ गया। सोचिए कि यदि ओम मंडली के तपस्वियों के पास कोई जादू ऐसा होता तो वे देश के नेताओं तथा अनन्य लोगों को लगाकर उनको अपने वश कर लेते। सच है कि यदि कोई व्यक्ति बनावटी हीरो की दुकानों वाले बाजार में सच्चे हीरो की दुकान खोल ले तो उसके हीरे भी झूठे ही मानेंगे। वह चाहे कितने भी प्रमाण अपनी सच्चाई के लिए दे, लोग उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। बल्कि कोई विरला ही पारखी जो अपने विवेक का निष्पक्ष प्रयोग करता होगा, उसको उसके हीरे का सौदा करने को तैयार होगा। ठीक यही वृत्तांत परमपिता परमात्मा के साथ होता है। जब वह ज्ञान रत्नों को ऐसे संसार में आकर लोगों को देने लगते हैं जिनके यहाँ टोने, झाड़ा फूकी और झूठे जादू प्रचलित हैं, वह क्या जाने कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा जादू है। वह किसको लग जाता है? वह अपने जीवन से बुराइयों को छोड़ देता है, परंतु लोग उसे बदला हुआ देखकर सोचते हैं कि इस पर जादू हो गया है। सचमुच ऐसा खुदाई जादू तो सभी पर होना चाहिए कि जिससे आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य बदलकर देवता बन जाए। अच्छा, ओम शांति।